हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक और सवाल जो कि व्यूवर्स के मन में हमेशा रहता है, और वो सवाल क्या है उसको ध्यान से समझिए। देखिए, टैली के अंदर जब भी आप टैली इस्तेमाल करते हैं और आप बिगिनर के तौर पर टैली को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक समस्या हमेशा ये रहती है कि डिस्काउंट किस तरीके से लगाया जाए। किसी भी प्रोडक्ट पर अगर आपको सेल्स में डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट कैसे देंगे, और डिस्काउंट तो सेल्स में ही दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए। सबसे पहले तो टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक कंपनी है, अब इसमें हमारे पास कुछ स्टॉक आइटम भी होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं माउस हमारे पास 56 है। तो अगर हम माउस को सेल करते हैं तो उस पर डिस्काउंट लगाने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं डिस्काउंट लगाने के लिए, तो आइए जानते हैं, उन्हीं के बारे में समझते हैं कि आखिरकार डिस्काउंट लगेगा तो कैसे लगेगा और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद न करते हुए। सबसे पहले यहाँ से बी बटन प्रेस कर लीजिए और आ जाइए सेल्स वाउचर में F8 प्रेस करके। तो सेल्स वाउचर में जाने के लिए आपको शॉर्टकट की फंक्शन बटन F8 प्रेस करना है। आ गए सेल्स वाउचर में, ये आ गए। यहाँ हमें एक कस्टमर का लेजर बनाना है, तो यहाँ पे मैं कस्टमर वन कर देता हूँ, CUSTOMER कस्टमर वन। अब ये कस्टमर वन का जो ग्रुप होगा, ग्रुप सही डालिएगा, ग्रुप पे मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो ग्रुप सही डालिएगा। इसका जो ग्रुप होगा वो सन्ड्री डेटर होगा। कौन सा होगा? सन्ड्री डेटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सन्ड्री डेटर ग्रुप कर लीजिए और एंटर करते हुए आ जाइए। ध्यान दीजिएगा कि ये किस स्टेट का है, ये उसी स्टेट का है जिस स्टेट की आपकी दुकान है, ठीक है। अब एंटर करते हुए आ जाइए नीचे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। बाकी ईवे बिल की बात आती है तो इन सब का जिक्र आता है, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे परचेज का लेजर ना लगा बैठिएगा, यहाँ पे सेल्स का ही लेजर आता है। तो यहाँ कर देते हैं सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया सेल्स अकाउंट, और एंटर करिए, एंटर करिए और यहाँ एस प्रेस कीजिए ताकि ये सेल्स के ग्रुप में चला जाए। तो यहाँ एस प्रेस करते ही ये सेल्स अकाउंट आ जाएगा, और सेल्स अकाउंट आते ही आपको यहाँ पर एंटर करना है, और इस ऑप्शन को तो बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। यहाँ पर GST एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल ही रहेगा, बाकी डिटेल्स को ऐसे रखते हुए यहाँ पर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं। ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब हमको जो स्टॉक आइटम है हमारे पास वो माउस है, कितना है? 56 है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे माउस का लेजर यानी स्टॉक आइटम का जो खाता है वो तो इंसर्ट करते हैं और यहाँ 66 कर दिया, तो नीचे आपको दिखाई पड़ता है नेगेटिव स्टॉक, क्योंकि आपके पास तो है 56 ही, परचेज आपने 56 ही किया है, तो आप 57 या उससे 56 से अधिक सेल नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए हम 30 सेल करते हैं और एक की बिक्री रेट जो है 340 रुपए है, यानी एक माउस 340 रुपए का बेचा गया, तो कुल मिला के 10,200 का सामान बेचा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट कैसे लगाया जाए। देखिए, डिस्काउंट लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, पहले मैं इससे बाहर आता हूँ और यहाँ पर आकर के आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है F11, ठीक है। देखिए F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप इस सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे एक्सपायरी वगैरह सेट कर सकते हैं, और नीचे आपको मिलेगा डिस्काउंट का कॉलम, लिखा हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। तो अगर डिस्काउंट कॉलम का आप यूज करना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिएगा, यहाँ से आपका डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ए करिएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। आप उसी की बात कर लेते हैं, यानी जो हमने अभी बनाया था कस्टमर वन का लेजर, उसी की बात कर लेते हैं। तो ये कस्टमर वन का लेजर अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर आएंगे तो कस्टमर का तो कोई GSTIN होता नहीं है, नीचे आएंगे और यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा। फिर वही चीज की माउस लेना है और एक को हम बेचेंगे तो कम से कम 350-340 इससे कम का नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पे तो क्वांटिटी में हमने डाल दिया, तो क्वांटिटी हमको 30 ही रखनी है सेल करने वाली, और यहाँ पे रेट हमें 350 कर देना है, तो ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक डिस्काउंट का कॉलम आपको देखने को मिल जाता है, तो अगर आप 5% यहाँ लिखते हैं तो देखिए ये कुल मिला के 13,650 रुपए हुआ। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये अमाउंट आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। और अगर मैं इस पर 5% का डिस्काउंट देता हूँ, डिस्काउंट वाले कॉलम में क्या लिखा, 5 लिख दिया, और अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर वो अमाउंट घट करके 12,967 रुपए हो गया। ये है आपका जो टैली प्राइम में डिस्काउंट का ऑप्शन दिया गया है, उस तरीके से डिस्काउंट लगाना, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके बावजूद भी और 5% का डिस्काउंट देना चाहते हैं तो करेंगे क्या, तो आप अल्ट सी प्रेस कीजिएगा। नीचे आकर के आपको क्या करना है, अल्ट के साथ सी प्रेस करना है, अल्ट सी प्रेस कीजिए और यहां पे दे दीजिए डिस्काउंट एक्स्ट्रा, ठीक है, एट द रेट
5%, यानी 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम देने जा रहे हैं। और डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं अपनी दुकान से तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ये ध्यान दीजिएगा, वो इनकम में नहीं आएगा। ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां पर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही चूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये साइड में देखिए आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहां पर आपको रख लेना है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और एंटर कर देना है। टाइप अप लेजर में आप चाहे तो छोड़ सकते हैं इसको, यहां पर इस तरीके से आ सकते हैं और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। अब एक्सेप्ट करवाते ही आपका कर्सर यहां पे आता है, ये देख सकते हैं, ये जो है कर्सर आपका यहां पे आ चुका है। तो अब आपको यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है, तो यहां पे माइनस में दीजिए, डिस्काउंट देना है ध्यान दीजिएगा, तो माइनस 5% करिएगा यहां पर और एंटर करिएगा, तो 648 रुपए और माइनस हो जाएंगे। और ये वो तरीका है जिससे आपकी डिस्काउंट दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये डिस्काउंट किस तरीके से लगाया जाए। अब ये लगा दिया हमने, अब हमको एंटर करना है, एंटर करना है और यहां पे लिख देना है द गुड्स हैव बीन सोल्ड विथ 10% डिस्काउंट रेट, ठीक है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, काम हो गया। जब आप इसको देखेंगे तो देखने के लिए तो बाहर आना पड़ेगा, और बाहर आने की शॉर्टकट की होती है एस्केप यानी ESC बटन, तो प्रेस कीजिए दो बार, बाहर आइए, दो बार डी प्रेस कीजिए। और ये हमारा सेल्स वाला जो है, यहाँ पर हमने दो तरीके का डिस्काउंट दिया, एक तो जो डिस्काउंट एक्टिवेट होता है टैली में वो दिया है, और एक मैनुअल डिस्काउंट भी दिया। अब यहाँ से अल्ट पी प्रेस कीजिए, एंटर करिए और आई बटन प्रेस कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी नजर आएगा कि यहाँ पे कितना परसेंट डिस्काउंट लगा हुआ है, और यहाँ पे लेस लिखा हुआ आ भी जाएगा। तो ये वो तरीका है जिससे आप डिस्काउंट दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि आपको डिस्काउंट किस तरीके से देना है, ठीक है। अब मैनुअल डिस्काउंट से ही क्या और भी डिस्काउंट दिया जा सकता है, ये भी एक सवाल बनता है। दो बार तो हमने लगा दिया, एक तो टैली में जो एक्टिवेशन हुआ उससे डिस्काउंट लगा दिया, और ये आपका हो गया मैनुअल डिस्काउंट। क्या इसी डिस्काउंट के लेजर को नीचे और भी इंसर्ट कर सकते हैं क्या? तो नीचे आते हैं तो आपका कर्सर यहां आ जाता है, और अब अगर कोई और डिस्काउंट देना चाहते हैं, यहां 5% दे दिया, अगर आपको 2% ही देने का मन है तो क्या करेंगे? तो एक काम कर सकते हैं, वैसे तो हमने एक लेजर बना दिया है डिस्काउंट एक्स्ट्रा एट द रेट 5%, अल्ट सी करके एक और बना दीजिए, यहां लिख दीजिए डिस्काउंट एट द रेट 2%। मान लीजिए 2% का ही देना हो तो 2% कर दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, बाकी सारी चीजें आप जानते ही हैं कैसे क्या हो जाएगा, ये मैंने बताई दिया है। और यहां -2% लिख दीजिएगा, बस इतना ही आपको करना है, -2%। लीजिए 259.35% का और डिस्काउंट हो गया। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो है वीडियो डिस्काउंट के ऊपर ही बेस्ड था, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कभी भी पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा इसका। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।